फ्रेंड्स, आज की इस छोटी सी वीडियो में हम देखेंगे कि कंपनी के अंदर किसी भी आर्मेचर की रिवाइंडिंग किस तरह से की जाती है। हेलो फ्रेंड, कैसे आप लोग? मैं हूं आपका दोस्त मेराज और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें। तो ये है एक आर्मेचर बाइंडिंग मशीन। तो यहाँ पर हम देखने वाले हैं आर्मेचर की बाइंडिंग। ये मशीन कुछ इस तरह की होती है। पीछे तार का टायर रखा जाता है और तार जो है वो ऊपर जाता है और उसके बाद मशीन के अंदर होते हुए तार बाहर को निकल करके आता है। ऊपर इसके डिस्प्ले है और उसके नीचे मोटर है। तो यहाँ पर ये भाई साहब आर्मेचर की बाइंडिंग करने वाले हैं और तार को यहाँ पर ये इस तरह से खींच लेंगे और ये तार को इस तरह से बाहर को निकाल लेते हैं। और ये बहुत ही छोटा सा आर्मेचर है जिसकी ये मशीन से बाइंडिंग होने वाली है। तो इसको थोड़ी सी सेटिंग कर ली है और इसके नीचे राइट हैंड साइड एक बटन है, उसको पुश करने के बाद मशीन चल जाती है। तो ये कुछ इस तरह से आर्मेचर की रिवाइंडिंग हो रही है। और एक कॉइल पड़ने के बाद रोटर को घुमाएंगे और इसको दोबारा से लगाने के बाद बटन को पुश करेंगे। ये कुछ इस तरह से आर्मेचर की रिवाइंडिंग हो रही है। ये जो मशीन है वो उमंग बधानी कंपनी की मशीन है। फिलहाल मैं आपको ये दिखा रहा हूँ कि मशीन से छोटे आर्मेचर की बाइंडिंग भी किस तरह से होती है। ये कुछ इस तरह से ये बाइंडिंग हो रही है। किसी भी चीज़ को मशीन से बाइंडिंग करने में काफ़ी टाइम की बचत होती है। चाहे हम सीलिंग फैन की बाइंडिंग करें, चाहे हम आर्मेचर की बाइंडिंग करें या फिर किसी भी चीज़ की बाइंडिंग करते हैं जब मशीन से, तो टाइम की हमें काफ़ी बचत होती है। फिलहाल यहाँ पर मशीन से इस तरह से आर्मेचर की रिबाइंडिंग हो रही है। अगर आप इस मशीन को परचेस करना चाहते हैं या फिर इस मशीन के बारे में कोई भी डिटेल लेना चाहते हैं तो मशीन के ऊपर ही कॉन्टैक्ट नंबर लिखा है। आप इस नंबर पर कॉल करके मशीन के बारे में ज़्यादा जानकारी ले सकते हैं। इस तरह से छोटी सी छोटी मोटर के आर्मेचर की रिबाइंडिंग मशीन से होती है। चाहे वो डीवीडी प्लेयर की मोटर का आर्मेचर हो या फिर और भी तरह की मोटर जो आजकल प्रोजेक्ट वगैरह में लगाई जाती है, उसके आर्मेचर की बाइंडिंग इस तरह से कंप्लीट होती है। तो यहाँ पर ये आर्मेचर की बाइंडिंग कंप्लीट हो चुकी है और आप देख सकते हैं कितनी फिनिशिंग के साथ यहाँ पर आर्मेचर की बाइंडिंग हुई है। तो फ्रेंड, इस तरह से कंपनी के अंदर छोटे से छोटे आर्मेचर की बाइंडिंग मशीन से की जाती है। ये मशीन कोई भी परचेस कर सकता है, ये कोई स्पॉन्सर वीडियो नहीं है। लेकिन अगर आप इस मशीन को परचेस करना चाहते हैं तो मशीन के ऊपर नंबर दिया गया, उस नंबर पर कॉल करके आप ज़्यादा जानकारी ले सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने को मिलती रहे। और हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो करना बिल्कुल भी ना भूलें। इंस्टाग्राम का लिंक आपको किसी भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।